जनसंपर्क के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में आज डॉक्टर व कर्मचारियों ने अचानक से हड़ताल कर दी। इसमें वहां अस्पताल की व्यवस्थाएं चरमरा गए। लगातार उज्जैन जिला अस्पताल में स्टाफ की कमी की परेशानी को लेकर डॉक्टर परेशान है। इसको लेकर आज अचानक से हड़ताल कर दी गई। आरएमओ डॉक्टर भोजराज शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि उज्जैन के अस्पतालों में विभिन्न तरह की समस्याओं को लेकर आज अचानक डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी है। यह हड़ताल केवल सरकार को सचेत करने के लिए, आगामी दिनों तक व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किया गया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल भी डॉक्टरों द्वारा की जा सकती है। देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट का स्वास्थ्य विभाग के ऊपर कुछ ध्यान प्रॉपर नहीं जा रहा है। उसकी वजह से हमारे यहाँ जो स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हाँ, ये बात जरूर ठीक है, हम देखते हैं कि संसाधन कोई भी चीज़ मांगी जाए, जैसे फिजिकल चीज़ें, वो तुरंत हो जाती हैं, लेकिन मैन पावर का जहाँ तक सवाल है, वहाँ उसमें बहुत ही लापरवाही कहना चाहिए। यदि स्पष्ट मैं तो बोलूँगा तो ये कहना चाहिए कि लापरवाही हो रही है। और डॉक्टर्स को यदि NHM के थ्रू और दूसरे टेम्परेरी बेसिस पर रखा जाता है तो आप सोचिए उनका मनोबल क्या होगा काम करने का, डाउन होता है काम करने का। उनका कोई भविष्य नहीं, उनका कोई एक फिक्स पे पर चल रहे हैं। क्यों ऐसी नीति करते हैं, क्यों नहीं प्रॉपर जैसे परमानेंट डॉक्टर्स हैं, परमानेंट पोस्टिंग निकालें, परमानेंट प्रॉपर उनको सुविधा दी जाए तो डॉक्टर्स क्यों नहीं आएंगे? डॉक्टर्स नहीं आते, डॉक्टर्स काम नहीं करते, ये सब तो सब कहते रहते हैं, लेकिन क्यों नहीं करते? इस पर कभी ध्यान दिया गया? गवर्नमेंट ने कभी ध्यान दिया कि क्या प्रॉब्लम है? तो इन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हम सबके साथ आज एक घंटे के लिए स्ट्राइक पर हैं, और NHM पर जो हैं उन पर भी, जो सारे डॉक्टर्स जो हैं उनके फेवर में हम लोग सारे डॉक्टर्स स्ट्राइक पर हैं।